आपने अक्सर रिपोर्ट्स के एंड पे या शॉपिंग करते हुए रिसीव होने वाले वाउचर के एंड पे डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग देखा होगा कि एक लाइन में वो वक्त और वो दिन लिखा होता है जिस दिन को वो रिपोर्ट या वाउचर प्रिंट हुआ है। इसके लिए एक्सेल में फुटर की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही कुछ फंक्शंस भी मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मौजूदा तारीख और मौजूदा किसी भी एक्सेल शीट के एंड पे ऑटोमेटिक तरीके से जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन नाउ का है। इस फंक्शन को कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए होता, इसलिए आप सिर्फ नाउ टाइप करेंगे और ब्रेसेस इसके साथ टाइप कर देंगे। जैसे ही आप एंटर के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको मौजूदा तारीख और मौजूदा वसल में नजर आना शुरू हो जाएगा, जो कि प्रिंटिंग के वक्त पे भी मौजूद रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ डेट जाहिर हो तो उसके लिए टूडे का फंक्शन मौजूद है। टूडे के फंक्शन को भी कोई पैरामीटर नहीं चाहिए होता, इसलिए आप टूडे के साथ जस्ट ब्रेसेस को ओपन और क्लोज कर देंगे। जैसे ही एंटर के बटन पे प्रेस करेंगे तो टाइम यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट सेट हो चुका है, इसलिए 00 आपको नजर आ रहा है, यानी कि टूडे का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तारीख को जाहिर करेगा। इस चीज को मजीद समझने के लिए हम कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ के जरिए उनकी एज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एज टूडे के फंक्शन के जरिए कैलकुलेट करें, यानी टूडे माइनस डेट ऑफ बर्थ, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास वो दिन कैलकुलेट हो जाएंगे जो कि डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट के दरमियान फर्क की शक्ल में मौजूद है। या आसान अल्फाज में बात करें तो हमारे पास एज दिनों में कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम यही एज नाउ के फंक्शन के जरिए कैलकुलेट करें तो उस सूरत में ये जवाब इशारिया की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, यानी कि पहले टूडे के फंक्शन के जरिए जो एग्जैक्ट दिन कैलकुलेट हो रहे थे, अभी अशारिया में वैल्यू का मतलब ये है कि साथ ही घंटे भी कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में हमने टाइम रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से डेट ऑफ बर्थ में बाय डिफॉल्ट टाइम 12 बजे का कलिया दूर समझे के 00 समझा जा रहा है। इस चीज को मजीद वाजे करने के लिए हम मिस्टर नोमान की डेट ऑफ बर्थ के साथ 11:12 टाइप कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि E3 सेल में अशारिया 11867 नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बाई डिफॉल्ट टाइम 12 बजे का नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट टाइम 11:12 में से मौजूदा और मौजूदा डेट मंजूर हो रही है और जवाब 12,702.11867 कैलकुलेट हो रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर नाउ और टूडे फंक्शन पे। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इन टाइम मौसम होती। थैंक यू वेरी मच।